गणतंत्र है क्या? परसों विधायक दल की बैठक में था, कल था, क्या हुआ था? गणतंत्र क्या हुआ था? गणतांत्रिक तरीके से तय आज होगा तय? किसके नाम का प्रस्ताव रखा? ये सब अपने अपने बात रखिए, लोकतांत्रिक प्रक्रिया बैठक में थे, हम बिल्कुल मैं था। सही भाई, मैं आपसे रोकूंगा। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि कांग्रेस में सर्वसम्मति राजस्थान में अभी भी नहीं बनी है। कांग्रेस में सीएम का पेच और उलझता जा रहा है। सचिन पायलट और अशोक गहलोत दोनों को रोक लिया गया है। सचिन पायलट जिन्होंने जमीन तैयार की इस बार राजस्थान में, और अशोक गहलोत जो दो बार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, एक तरफ तजुर्बा दूसरी तरफ युवा शक्ति, एक तरफ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और दूसरी तरफ कांग्रेस के महासचिव, दोनों के बीच में टक्कर है। और इस टक्कर शरद हमारे साथ है। शरद, सर्वसम्मति इस पे नहीं बन पाई है, दोनों को रोका गया है, क्या समझाने की कोशिश है, क्या फैसला हो चुका है और अब मान मनवल का दौर जारी है या अभी भी फैसला नहीं हुआ है? शरद, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? शरद, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। क्लैरिटी इसमें बिल्कुल नहीं आ रही। अभी आपको हम यह भी बताएंगे कि आखिर सोनिया गांधी जो राहुल गांधी के घर पे पहुंची है, वहां से हमारे सहयोगी क्या कह रहे हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन अब सीधे आपको लेके चलते हैं, सईद अंसारी हमारे साथ हैं। अब सईद भाई, कोई भी विधायक कुछ भी बोलने वाला नहीं है और यहां पर राजस्थान की अपेक्षा में ज्यादा डिसिप्लिन दिखाई दे रहा है। उसके कई सारी वजह है निशांत। वजह यह कि आप मानकर चलिए कि जो भी नाम आ जाएगा दिल्ली से और संभवतः वो नाम कमलनाथ का होगा, तो विरोध उसके बाद कुछ नहीं होगा। उसके बाद आप यही ज्योतिरादित्य के जो समर्थक हैं, इन्हें ही नाचते गाते, झंडा लहराते, मिठाई खाते और मिठाई बांटते नज़र आपको ये लोग दिखाई दे जाएंगे। क्योंकि मध्य प्रदेश में सिर्फ ये लग रहा है कि 15 साल बाद हमारी सरकार आ रही है। मध्य प्रदेश में सिर्फ हर विधायक को ये लग रहा है, कोई विधायक ऐसा नहीं खुलकर सामने नहीं आया जो बोला कि नहीं मुझे ज्योतिरादित्य ही चाहिए। तो यहाँ बहुत ज्यादा संकट वाली बात अब दिख नहीं रही है, क्योंकि अंदर खाने बहुत ज्यादा कोशिश हुई। पायलट को रोका गया है, क्यों अभी इस वक्त ज्योतिरादित्य सिंधिया राहुल गांधी से मुलाकात कर रहे हैं? कुमार विक्रांत, पूरी खबर बताइए हमारे सहयोगी। मध्य प्रदेश के जो पर्यवेक्षक हैं एके एंटनी और साथ में प्रभारी महासचिव दीपक बावरिया, ये सबसे पहले और वो राहुल गांधी से मुलाकात की। उसके बाद राहुल गांधी निकल गए हैं यहाँ से और इसके बीच में ज्योतिरादित्य सिंधिया आए और सोनिया गांधी भीतर पहुंची हैं। तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है राहुल गांधी नहीं है तो शायद सोनिया गांधी सिंधिया से बात करें और उनको बेहतर तरीके से शायद समझा पाएँ, क्योंकि जैसा कि सूत्र बता रहे हैं कि कमलनाथ फ्रंट रनर बने हुए हैं। ऐसे में सिंधिया को यहाँ पर बात की जा रही सिंधिया से, और जहाँ तक राजस्थान की बात है वहां पर अशोक गहलोत फ्रंट रनर बने हुए हैं और दोनों ही नेताओं को, सचिन पायलट को और अशोक गहलोत को, दोनों को ये ताकीद कर दी गई है कि जिस तरीके से हंगामा, शांतिपूर्ण तरीके से कांग्रेस पार्टी की नारेबाजी हो लेकिन जिस तरीके से हंगामा या झड़प की नौबत आ रही थी वैसी चीजें नहीं होनी चाहिए। समझना चाहूंगा क्या कोई फॉर्मूला है वो वर्कआउट किया गया है, क्योंकि अभी जो आप जानकारी दे रहे हैं पहले तो इस जानकारी को थोड़ा समझने की कोशिश करें। कुमार विक्रांत, हमें बताने कि राहुल गांधी खुद अपने घर पर नहीं है लेकिन सोनिया गांधी वहां पर पहुंची हुई हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया वहां पर पहुंचे हुए हैं, ये बात समझ में नहीं आ रही। फिर राहुल गांधी है कहां पर? बंदे ने बोला कि आ गया। तो यहां पे आप देख रहे हैं सचिन पायलट अपने घर से निकलते हुए, कैनिंग लेन वाले घर से, अभी राजस्थान में लगातार नेतृत्व को लेकर, सीएम को लेकर रार जो है वो बरकरार है। और यहाँ पे सचिन पायलट राजस्थान के जो प्रदेश अध्यक्ष है वो लगातार संपर्क में तमाम विधायकों से। राहुल गांधी जो है वो एक बार फिर से सभी नेताओं से विचार विमर्श, सलाह मशवरा कर रहे हैं और सचिन से क्लैरिटी लेने की कोशिश करते हैं। सचिन कुछ क्लैरिटी हुई है? एक सेकंड, उनको जाने से क्लैरिटी नहीं है। कांग्रेस जा रहे हैं या जयपुर जा रहे हैं? रुको 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 सचिन जी, एक सेकंड। सचिन जी, कांग्रेस जा रहे हैं जयपुर जा रहे हैं? सर कुछ क्लैरिटी, कहाँ जा रहे हैं जी? थैंक यू। सचिन पायलट कुछ भी कहने से
बचते हुए कुछ भी उन्होंने नहीं कहा और साफ तौर पे बस नमस्कार करते हुए चले गए। संकेतों में माने तो शायद सभी नेता कुछ भी इस पे कमेंट करने को तैयार नहीं। सचिन पायलट अभी इस वक्त निकलते हुए। कैमरा पर्सन आलोक भटनागर के साथ मौसमी सिंह, दिल्ली आज तक।